आप भी अगर बिहार से हैं तो अगर आप बिहार का नक्शा अगर निकालना चाहते हैं, जैसे बिहार में अपने गांव पंचायत या अपने घर के आसपास का जो भी नक्शा होता है, तो उस नक्शा को अगर आप प्राप्त खुद से करना चाहते हैं, अपने मोबाइल से या लैपटॉप से अगर डाउनलोड करना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल आसान तरीके से आप नक्शे को डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं फिलहाल इस वीडियो में आप सभी को नक्शा निकालने का मैं पूरा यानी मैप निकालने का पूरा जानकारी दूंगा कि किस तरह से आप अपने मैप को निकाल सकते हैं अपने ग्राम पंचायत का या तो अपने गांव का, अपने घर के आसपास का जो भी मैप होता है, वो मैप को आप ऑनलाइन कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, किस तरीके से आप घर पे भी मंगा सकते हैं। तो उन सभी का मैं पूरा प्रोसेस इसमें बताने वाला हूँ कि कैसे आपको घर पे मैप को मंगाना है। तो चलिए सारा इसमें प्रोसेस करके आपको दिखाता हूँ किस तरह से आपको प्रोसेस करना है, ताकि आपको घर बैठे आपको मैप को अपने घर पे मंगा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। चैनल पर पहली बार आएंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मन में कहीं भी सवाल आएगा तो एक बार कमेंट करके पूछ लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप अपना मोबाइल का या लैपटॉप का क्रोम ब्राउजर ओपन करेंगे, उसमें गूगल बॉक्स में टाइप करना होगा लैंड रिकॉर्ड बिहार। इस तरह से ओपन कीजिएगा, ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आइएगा, नीचे स्क्रॉल कीजिएगा, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सर्विसेज आपको देखने को मिलेगा जो यहाँ आपको इस तरह से है, ठीक है। तो मुझे जमीन का नक्शा निकालना है यानी मानचित्र निकालना है, तो यहाँ पर भू मानचित्र का सेक्शन है, इस पर क्लिक करूंगा। और यहाँ पर क्लिक करते ही यहाँ पर कुछ ऑप्शन यहाँ पर ओपन होता है जो यहाँ पर लॉगिन करने का होता है, ठीक ना। यहाँ पर पहले तो डिपार्टमेंट लॉगिन है और एक पब्लिक लॉगिन है। तो डिपार्टमेंट लॉगिन जो सरकारी विभाग वाले होते हैं वही आपको लॉगिन कर सकते हैं, और जो यहाँ पर होता है पब्लिक लॉगिन, तो आप कोई भी व्यक्ति यहाँ पर लॉगिन कर सकता है पब्लिक लॉगिन में। मैं यहाँ पर पब्लिक लॉगिन करके दिखाऊंगा, इस पर क्लिक करूंगा। और क्लिक करते ही यहाँ पर कुछ यहाँ पर डिटेल्स फिल करने होंगे। जैसे यहाँ पर आप पहली बार अगर लॉगिन कर रहे होंगे तो यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, यहाँ पर यूजर आईडी डालना होगा, ठीक है ना। इसके बाद एक्सेप्ट करने के बाद लॉगिन करना होगा। मेरे पास यूजर आईडी एंड पासवर्ड नहीं है, तो मैं अपना यूजर आईडी एंड पासवर्ड को यहाँ पर क्रिएट करूंगा। उसके लिए यहाँ पर लिखा न्यू रजिस्ट्रेशन, इस पर क्लिक करूंगा। यहाँ पर आपको क्या करना होगा, पहले मोबाइल नंबर फिलअप करना होगा, इसके बाद सबमिट करना होगा। पर मोबाइल नंबर फिलअप किया है, यहाँ पर सबमिट का सेक्शन, इस पर क्लिक करूंगा। यहाँ पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर ओटीपी सेंड किया जाएगा, इस तरह से ओके कर लीजिएगा। और आपके फोन ओटीपी इस तरह से फिलअप कीजिएगा, सबमिट का सेक्शन पर क्लिक कर लीजिएगा। यहाँ पर क्लिक करते यहाँ पर कुछ डिटेल्स फिल करने का ऑप्शन आएगा आपको, जैसे यहाँ पर आपका नाम, यहाँ पर जैसे फर्स्ट नेम, जैसे मेरा नाम रोशन कुमार, तो यहाँ पर डालूंगा रोशन, इसके मैं कुमार, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर रहेगा, यहाँ पर ईमेल आईडी फिलअप कर लीजिएगा। यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट का नाम सिलेक्ट कर लिया, जिस भी डिस्ट्रिक्ट से आप होंगे, जैसे मैं औरंगाबाद से हूँ, औरंगाबाद सिलेक्ट कर लिया हूँ। इसके बाद यहाँ पर ब्लॉक का नाम आएगा, जिस भी ब्लॉक का आप नक्शा निकालना चाहते हैं ना, या तो आप जिस भी ब्लॉक का निकालना चाहते हैं या तो कोई भी ब्लॉक का निकाल सकते हैं। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन आपको पर्सनल डिटेल फिल करना होगा, जैसे मैं यहाँ पर जो भी ब्लॉक से हूँ अपने अनुसार सिलेक्ट कर लूंगा। तो यहाँ सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर विलेज का नाम टाइप कीजिएगा, ठीक है, विलेज का नाम, इसके बाद पोस्ट ऑफिस, इसके बाद यहाँ पर पिन कोड डाल के यहाँ पर सबमिट कीजिएगा। मैं यहाँ पर डिटेल्स अपना फिल किया हूँ, सबमिट का सेक्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन सक्सेस हो जाएगा, ओके कर दिया जाएगा। ओके करने के बाद यहाँ पर अपना रजिस्टर मोबाइल नंबर फिलअप कीजिएगा, इसके बाद टर्म एंड कंडीशन यहाँ पर एक्सेप्ट कीजिएगा, इस पर लॉग इन। तो मैंने डिटेल्स को यहाँ पर सारा जानकारी दे दिया है, जैसे मोबाइल नंबर, टर्म एंड कंडीशन एक्सेप्ट किया है। यहाँ पर कुछ लिखा गया है कि सभी व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए रिकॉर्ड की स्कैन की गई छवियों को डेटा को मान्य मूल माना जा सकती है, और छवियों पर उपलब्ध जानकारी आधार पर किया जाए डेटा खोज के लिए माना जाएगा। इसके बाद यहाँ पर ओके कीजिएगा। ओके करने के बाद यहाँ पर आप लॉगिन सक्सेसफुल हो जाएंगे। ओटीपी फिल किया है, सबमिट का सेक्शन, इस पर क्लिक करूंगा। यहाँ पर क्लिक करोगे तो आपको पेज इस तरह से कुछ ओपन हो जाएंगे, ठीक है। पेज ओपन होने के बाद यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा इस तरह से। यहाँ पर डॉक्यूमेंट टाइप पूछा जा रहा है, इसमें से सिलेक्ट कीजिएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर ऑल रिकॉर्ड रिलेटेड, लैंड रिक्वेशन, अपील, कोर्ट केस या जो भी होगा आप इसमें से सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो यहाँ पर मुझे मैप जरूरी है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सबसे लास्ट में नीचे से सेकेंड और लास्ट स्थान पर म्यूटेशन केस रिकॉर्ड लिखा है, उसके बाद मैप लिखा है, मैप पर क्लिक करूंगा। मुझे मैप की जरूरत है, ठीक है ना। मैप की सिलेक्ट करने के बाद इसके बाद यहाँ पर टाइप आता है सिलेक्ट करने का एरिया, तो यहाँ पर रूरल से है या अर्बन क्षेत्र से, यानी रूरल कहने का मतलब कि ग्रामीण क्षेत्र से और अर्बन यानी शहरी क्षेत्र से, तो अपने अनुसार यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट का नाम आएगा, जो भी डिस्ट्रिक्ट का आप निकालना चाहते हैं नक्शा ना, उस डिस्ट्रिक्ट का नाम यहाँ से चुनाव कर लीजिएगा। मैं जैसे औरंगाबाद से हूँ, औरंगाबाद का सिलेक्ट करूंगा। इसके बाद रेवेन्यू थाना आता है, कौन सा थाना के अंतर्गत आते हैं रेवेन्यू, तो अपने अनुसार यहाँ सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर मौजा का नाम आता है, कौन सा मौजा का यहाँ से आप निकालना चाहते हैं, तो मौजा का नाम यहाँ से अपना सेलेक्ट कीजिएगा, जो भी आपका मौजा होगा, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पर मौजा का नाम सिलेक्ट कर लेता हूँ मैं।
तो मैंने अपने यहाँ पर मौजा को नाम सिलेक्ट किया है। इसके बाद सर्च का जो सेक्शन दिखता है इस पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो आपको इस तरह से सीट ओपन होगा जो आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर लिखा है सर्वे में यहाँ पर व्यू ई सीट, यहाँ पर ई सीट भी देख सकते हैं। यहाँ पर रिक्वेस्ट फॉर डाउनलोड कॉपी पर भी क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पर व्यू ई सीट पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर आपको नक्शा डाउनलोड हो जाएगा। जो आपको यहाँ पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर इस तरह से आपको डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा, जो आप रूप में कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि इस तरह से आपको नक्शा है, इसको बड़ा या छोटा करके आप इस यहाँ से आप रीड कर सकते हैं। इस तरह से बड़ा छोटा करके आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपको घर पर अगर मंगाना होगा तो यहाँ पर रिक्वेस्ट फॉर डाउनलोड कॉपी पर क्लिक कीजिएगा। तो यहाँ पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर आपको कुछ यहाँ पर जानकारी जो दिए हैं आप उसको जानकारी को यहाँ पर देखा जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपको सेंड एप्लीकेशन पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर आपको घर पर आने के लिए यहाँ पर रेडी हो जाएगा, जिसके लिए आपको चार्ज 10 रुपये यहाँ पर फिक्स होंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप अपना नक्शा को निकाल सकते हैं। और अगर नक्शा घर पर आ जाएगा पोस्ट ऑफिस के माध्यम से इस तरह से आता है, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सभी फ्रेंड को शेयर जरूर कीजिए। मन में कहीं भी अगर सवाल आएगा तो एक बार कमेंट जरूर कर लीजिएगा।